गाइज वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज है 2 मार्च 2021 और आज का दिन है ट्यूसडे। सो 1 तारीख का ब्लॉग अपलोड हो चुका है तो प्लीज़ जाके देखिए। और अभी हम जिम से आ चुके हैं और मैं नहा भी चुकी हूँ, सब रेडी, क्योंकि मुझे इतना स्टिकीनेस और पूरा स्वेट वेट इतना पसंद नहीं है इस वजह से। तो मैं नहा के रेडी हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ जो हमारे दो शैतान बालक बालिका हैं वो क्या कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट दे आर डूइंग। बच्चों कहाँ हो तुम? हैरान क्या कर रहे हो? आगे क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है ब्रेन? ये हो रहा है बताओ यार, जिम से आके पेला जा रहा है। पपीता पपीता खाते में तो नहीं लिया तूने फोटो? नहीं पपीता तो खा लिया, चलो अच्छी चीज के समय थोड़ी ना करते ब्लॉग, जब कोई कांड करते तो ही तो करते हैं। छोड़ के चलते हैं। और खूनी दरिंदे हेलो, इनका नाम आपसे खूनी दरिंदा रख दे रहे हैं। मेरा नाम रख दो तुम, खूनी भूतनी। चलो ठीक है, खूनी जिंदगी में आज तक मैंने कभी पपाया नहीं खाया, पर ऐसे दिन आ गए हैं पपाया भी खाना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, मतलब ज़बरदस्ती का सौदा मेरे संग किया जा रहा है। मुझे नहीं खाना, कोई नहीं खाएंगे तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आशी के कोई फ्रेंड है, उन्होंने रिकमेंड किया है और ही इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशनल जिम ट्रेनर, तो उन्होंने सजेस्ट किया है। सो वी आर ईटिंग पपाया आफ्टर वर्कआउट, मतलब जिंदगी की सजा आई है, क्या ही किया जाए। चलिए खाते हैं। हमारी कार है, ये हम हैं और हमारी डाइट की पार्टी हो रही है। क्या हो रही है? मैं बोल लो, हमने ट्रेंड नहीं किया ना ये वाला अपने चैनल पे, एक हमने बनाया पर हमने यूट्यूब पर नहीं डाला वो। क्या आप चाहते हो वो हम डालें वो? अगर गाइस पिछले वाले ब्लॉग पे 30 लाख आ गए तो ही वो डालेगा, तो वो इंस्टा पे डालेगा। इंस्टा मेरे टैंगल टीन इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में, उस पर डालेगा। 30 लाख कंप्लीट होंगे जब। बोलो क्या बोल रही थी? हाँ मुझे ये पूछना था, जैसे हम पपाया फ्रूट खाते हैं तो हम उसके ऊपर पानी पी सकते हैं, वैसे फ्रूट्स के ऊपर मना करते हैं, पर पपाया के ऊपर पी सकते हैं? हाँ, जूस ही फ्रूट के ऊपर नहीं पीते, जूस ही फ्रूट है। पापा ये गए हमारे खाना खा रहे। पपाया के ऊपर पानी पी सकते हैं? नहीं, आधे घंटे रुकेंगे। ला फिर हमको दे दो, तुम आधा घंटा हो गया। ये क्या? तो हम इजीली से ले सकते हैं, इसका इंटेक कर सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि हम कोई स्टेरॉइड या कोई उटपटांग चीजें ले रहे हैं वेट कम करने के लिए, बिना डॉक्टर से पूछे। डॉक्टर ने कही है वैसे लेना, नहीं तो हम नहीं लेते इसको। तो गाइस अभी हमारे यहाँ हो रहा है ये व्हाट इज इन माय बैग चैलेंज, मम्मी स्टाइल में बिल्कुल देसी। बताओ मम्मी क्या लाई हो आज? लाए अंगूर। अच्छा और वो नहीं, मैंगो है ये? हाँ, सच में ऐसा? हाँ, छोटे वाले हैं। हे राम। और ये है ऑरेंज, ऑरेंज तीन फ्रूट्स हैं। और ये हमारी मम्मी का पोर्टल है भैया, व्हाट इज इन माय बैग, फैमिली मेंबर के यहां से आया हमारे। अब आपको पता चला मेरे अंदर जो पागलपंतियां हैं वो कहां से आई हैं। मम्मी इतनी महान है, बेटी तो और ही ज्यादा, मतलब मतलब कुछ नहीं तो व्हाट इज इन माय बैग चैलेंज ही कर डाला। खैर अब अपनी बात पे आते हैं, हमें आ रही थी नींद आफ्टर जिम के बाद, खा भी लिया इतना ओवर, अब उसके बाद मेरे को आ रही थी बहुत तेज़ नींद। मैंने कहा अगर मैं सो गई तो मेरा पूरा दिन वेस्ट, और
कुछ मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, इसी वजह से अब मैं ऑफिस में आके बैठ गई हूँ, अपना चिल्ड आउट, दिमाग शांत, ये सब कर रही हूँ और अपने ईयरफोन्स प्लग इन करके मज़े कर रही हूँ। अरे बुला रही हूँ मम्मी। हाँ यस आ रहे हैं। क्या हो गया, क्या हो गया? और बेटे मौज कर दी इसको, हमारा वाला चैनल दिखा। फिर हुआ क्या बता? क्या इतनी देर में तुझे बुलाने में इतनी देर में यहाँ पे आके खड़ी हो गई? फिर मूड खराब कर दिया। मैं तो मानने वाली हूँ, सो रहा हूँ बस। और ये देखो आप सब इसे जानते हैं, इसे देखते हैं, जिम से हम आए हुए 11 बज चुके हैं, एक गंदी बच्ची अभी तक नहीं आई, अभी तक कमजोरी बहुत है। और तुम्हें पता अभी 3 बज रहे हैं और ये अभी तक नहीं आई है। गैर गज कब नहाओगी? वर्क फ्रॉम होम के फायदे क्या हुए फिर? तो तुम्हें घिन नहीं आती? ये मेहनत की खुशबू आती है। मेहनत की खुशबू आए रे रे इंजीनियर, ठीक है इंजीनियर। हाँ ये बात तो है। और क्या आते हैं अपनी बात पर जो हम आपको बताना चाह रहे थे, वो ये थी यार, मेरे को आ रही थी भयंकर नींद, क्योंकि जिम के बाद मैंने खाना वाना खा लिया, उसके बाद मेरा मन किसी काम में लग नहीं रहा था, तो मुझे आ रही थी नींद। उससे बचने के लिए मैंने कहा अगर मैं सो गई तो आप लोगों को ये ब्लॉग नहीं मिल पाएगा, विच इज क्वाइट अ सैड पार्ट, डेट इज़ वाई मैं सोना नहीं गई। और अभी मैं फालतू पागलबंदी कर रही हूँ, अभी देखो आपने अभी अभी पागलपंतियाँ हुई हैं मेरे संग, तो ये पागलबंदी कर रही थी मैं। और अब इट्स अ टाइम फॉर माई सेल्फ टाइम, अभी कुछ हफ्तों से मतलब इसी महीने फाइव से मैंने चालू किया है सेल्फ टाइम देना। और अगर आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे पर्सनली भी जानते हो, और अगर मैं आपको कहीं बड़बड़ाती दिख जाऊँ तो ये मत समझना कि मैं आपके बारे में कुछ बोल रही हूँ। मेरी अब मैंने सेल्फ टॉक एक अपने अंदर उतारी है, आई यूज़ टू सेल्फ टॉक कि मुझे लगता है कि उससे आई एम बिकमिंग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग डे बाई डे और मोर सॉर्टेड और मोर अंडरस्टैंडिंग, इस वजह से। तो मैं जिम भी जाती हूँ तो वहाँ भी अपने आप से कुछ बड़बड़ाती रहती हूँ करके, तो कुछ लोग हैं जो मेरे को ऐसे देखते हैं, मतलब वो समझते होंगे कि मैं उनके बारे में कुछ ऊट पटांग बोल रही हूँ या कुछ, पर मैं अपने बारे में ही कुछ बात कर रही होती हूँ। और अभी कुछ नहीं, अभी करने के लिए कुछ है नहीं, अपन कान कनेक्ट करेगा अपने कान में और अभी एंजॉय करेगा अपना सेल्फ टाइम। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी यार, आप भी कभी करे करो अपना, अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, अगर आधा घंटा भी है, सेल्फ टाइम होना चाहिए और एंजॉय करो। और आपके पूरे दिन में क्या बीता, कैसा बीता, उन मोमेंट्स को चेरिश करो। ये मेरा मुफ्त का ज्ञान था, रखना है रखो, नहीं तो आगे आगे भेज दो या फिर कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगा तो बता देना कमेंट्स में। सो आफ्टर स्पेंडिंग सो मच सेल्फ टाइम आई एम कंक्लूडिंग दिस व्लॉग, बिकॉज सेल्फ टाइम बताने में इतना टाइम लग गया कि कुछ आगे शूट ही नहीं किया मैंने। तो आज का व्लॉग हम यहीं कंक्लूड करते हैं और आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेस्ट पार्ट बताइएगा व्लॉग का कौन सा लगा, या आपको अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।